ना देखिए, होली का जो ये पावन महोत्सव का हम लोग त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी में अब हमारे क्या कहते हैं कि देव जो हैं, देव भी वो कुछ सुनाने वाले हैं, और माता जी की स्तुति है, तो वहाँ से भी जो है हम लोग काफ़ी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और अब जो है देवा भी सुनाएंगे कुछ अपना अमृत बिखेरते हुए। जय सिया राम वंदे मातरम। वंदे मातरम तू भाई। क्या जोरे पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल हो वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत मैं क्यों हारू मैया, हिम्मत मैं क्यों हारू मैया, सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन की नाचू गाऊं तेरा जगलाता, मैं बालक तू माता शेरावालिए, ओ टूटिए नाटा शेरावालिए माँ, शेरावालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मेरा वालिए माँ, मालक तू माता शेरावालिए, ओ टूटिए नाता बहुत बढ़िया, बहुत शेरावालिए माँ। बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार आपने तो जादू बिखेर दिया देव ना, आज तो एकदम सब लोगों ने रंग जमा दिया भाई इस रंगोत्सव पे। हाँ वासु, आप भी कुछ सुनाना चाहते हो होली का कोई गीत? होली की पोयम। चलो होली की पोयम ही सुनाओ, जो आपको आए होली के बारे में वही सुनाओ आप। नमस्ते, मैं आज आप सबको होली की पोयम सुनाने जा बहुत रही सुंदर। हूँ। रंग से रंग उड़ाओ, रंगों का त्योहार मनाओ, फिर से दिवस सुनाया आया, लहरे जैसा मन लहराया, होली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया, रंगों जैसे हंसे हंसाओ, रंगों का त्योहार मनाओ। मैं बहुत आप लोग को यही पोयम सुनाना बहुत चाहती बहुत थी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कहाँ कहाँ प्रतिभाएं सब छुपी हुई हैं, ये तो शांतिपुरम में लगता है पूरा होली का तो छटा ही बिखेर देंगे सब लोग ना। हाँ बेटा जाओ, जो पानी लगा के आओ बाहर। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बेटा, और होली का कोई गीत ऐसा जो सब में रंग भर दे, और गीत से ही रंग भर दे, बाकी तो रंग है ही है जो रंग भरने के लिए ना। तो सब लोग मिलकर के साथ में होली का अद्भुत गीत गाते हैं ना, कि पूरा जो है ये साल भर हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता रहे ना बिटिया। सब लोग पास इसके थोड़ा आ जाएंगे तो आवाज और एकदम नजदीक रख के गाना बेटा। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल खेलते, बोलो सारा रा 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 गोपाल खेलते, बोलो सारा रा रा। होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, होली आई, होली आई, होली आई, मसीलाई मसीलाई मसीलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम सब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, अबीर लगाएंगे, और एक दूसरे का जो है प्यार और आशीर्वाद सब लोग छोटे बड़े सब आपस में लेंगे, और अपने मन में जो भी किसी के प्रति कोई भी ऐसा द्वेष भाव, कभी किसी के लिए मन में कोई कष्ट कोई पीड़ा हो, उसको पूरी तरीके से उसी गुलाल अबीर के साथ धुल देना है। ठीक है, ताकि पूरे साल भर फिर से हमारी मित्रता दोस्ती सबकी आपस में बनी रहे ना। तो वो बेटा थाली ले आओ, चलो सब लोग। अरे भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी लोग। अरे भाई अरे, बहुत ही सुंदर, आज तो देव ने तो पूरा जमा दिया भाई। अरे बिटिया, तो आदि शक्ति सब जगदम्बा, जितनी जगदम्बा हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। अरे भाई ये तो गुलाल महोदय हैं। अरे बेटा,
हाँ चलो ले लो, सब लोग रंग ले ले अपना अपना। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सबको होली की बहुत बहुत मंगल शुभकामना, प्रभु ऐसे सब पे कृपा बनाए रखें और ऐसे मेहरबान रहें। अरे भाई अरे अरे भाई अरे 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 भाई बहुत बढ़िया एक हाँ बेटा हाँ बेटा कोई बात नहीं, आराम से बेटा, सभी लोग किसी के आंख में न जाए। तो कैसा लग रहा है सबको होली का ये पावन महोत्सव? होली के बारे में और भी जानकारियां बढ़ी ना आज, और क्या कहते हैं कि अब हम लोगों को अपने जो भी संस्कृति या अपने जो भी कल्चर से लेकर के और जो भी त्योहारों से लेकर के प्रोग्राम हैं उसके बारे में पूरी जानकारियां हम देंगे भी, बताएंगे भी, और आप लोग भी अपने आसपास से उसको सीखें समझें और क्या करें कि उससे जुड़े हुए जो गीत हैं संगीत हैं उसके बारे में भी सीखें और समझें, और हम लोग भी यहां पे आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है? अभी कैसा लग रहा है बेटा सब लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आनंद आया अंकल? बढ़िया लग रहा है अंकल। अच्छा कुछ सुनाना चाहते हो अपनी गीत में? क्या सुना? देखो बेटा सुनाएगा, क्या बेटा सुनाओ? नो लो हम नहीं, मैं तो बोल रहा था। कैसा लग रहा है हमारे परी को? बढ़िया सबसे छोटी रानी, क्या गाओगी? अरे परी अरे ये बिटिया तो हमारा बहुत गाती है, क्या बोलना चाहते हैं बेटा, कुछ बताना चाहते हो? क्या बताओगे बोलो? कर्पूर गौरम करवाम तारम संसार सारम जुगेन थारम सदा वसंतम इंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे बेटा तुम तो जादू बिखेर दिए यार, ये तो पूरा, ये तो शंकर भगवान को फिर से धरती पे उतार देंगे भाई। हाँ किसी को पता था कि हमारी श्रद्धा कितने श्रद्धा पूर्वक गाती है ना? और क्या कहते हैं कि सब लोग आनंद आ रहा है बेटा। अब आगे से हम लोग अपने जो भी त्योहार हैं ना, जो भी चीजें हमारे कल्चर में हैं उस पे हम लोग और ध्यान से उन चीजों को समझेंगे जानेंगे और उसके महत्व को एक दूसरे को भी अपने आसपास भी अपने मित्रों को भी क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है ना? ताकि और लोग भी अपनी संस्कृति के प्रति अपने धर्म के प्रति अपने तौर तरीकों के प्रति और सही रूप से समझ सकें जान सकें और लोगों को आगे बता सकें, ठीक है बेटा?
तो इस प्रकार से अगर हम अपने जो भी हमारे कल्चर हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे अपने रिसर्च हैं, उसके बारे में बच्चों को बताएं, उसके महत्व के बारे में बताएं, जीवन में उससे जुड़े हुए उत्साह उमंग उसको और आगे बढ़ाने के लिए उनके बारे में बताएं, ताकि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें जिस तरीके से लुप्त होती जा रही हैं और लोग नए नए वो चीज़ें जो हमारे संस्कृति का कभी हिस्सा ही नहीं रहीं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव है, हमारे विकास पे विपरीत प्रभाव है, और कहीं ना कहीं जो आसपास के समाज का निर्माण जिस गति से जिस रूप में विस्तार ले रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हमें अपने कल्चर के बारे में जानना है, उसकी गुणताओं के बारे में जानना है और लोगों को बताना है। तो ये जो अपना वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जगह जगह हम लोग कैंप लगा करके भी चीज़ों के बारे में अवेयर करा रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, अपने उसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में, हर्बल चिकित्सा जड़ी बूटियों के बारे में, और बाकी जो कॉस्मिक पावर के बारे में, और जो पंच तत्वों का जुड़ाव है, और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वैदिक साइंस से लेकर जुड़ी हुई हों, चाहे वो ज्योतिष से लेकर जुड़ी हुई हों, कैसे ग्रह नक्षत्रों की दशाएँ हमारे नाड़ियों पर चक्रों पर प्रभावी होती हैं, स्वास्थ्य पे कैसे असर डालती हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोग भी एकत्रित करें और लोगों को बताते रहें। और जो है इस तरीके से हम लोग जगह जगह आरोग्य के लिए भी कैंप लगा रहे हैं और अपने कल्चर के बारे में भी बच्चों को भी सिखा रहे हैं योग प्राणायाम के जरिए और तमाम छोटे छोटी कल्चरल एक्टिविटीज़ के जरिए, और उसमें प्रतियोगिता वगैरह भी बच्चों को रख करके कि हाँ अपने कल्चर के बारे में और चीज़ें बताया जाए। धीरे धीरे करके अगर हम सब लोग लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक और नई दिशा और नई ऊर्जा समाज में विस्तारित करेंगे और देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने में, अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करने में और हमेशा उसे बनाए रखने में हम लोग योगदान देते रहेंगे। और क्या कहते हैं कि ये हमारी जो ट्रस्टी महोदया हैं, ये भी जो है इसके बारे में कुछ बोलें और बताएँ, ताकि आगे जो है इसको और विस्तार दिया जा सके और जन जन तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। आप सबने देखा अभी छोटे बच्चों ने किस प्रकार से छोटे प्रयास में ही बहुत कुछ बताने की कोशिश की। अगर हम अपनी सनातन परंपराओं को अपनी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपने घर से और अपनी दूषित भावनाओं से बाहर निकलकर सभी को इसके लिए जागरूक बनाना होगा, किसी भी शर्म और किसी भी हया को छोड़कर कि अगर सामने वाला क्या कहेगा, हम इसके बारे में कहेंगे तो क्या सोचेगा, ये सब आप ना सोचें। अपने बच्चों को आप अपने घर से शुरू करें। हमने भी अपने घर से शुरू किया, हम अपने बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, आसपास के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और आप सबसे भी अनुरोध है कि
कि आप सब भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों को करते रहें ताकि एक दिन हमारा सनातन धर्म और हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु अवश्य बने। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये सब जानकारियाँ और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोग और जागृत हों, जागरूक हों और आगे आने के लिए प्रेरित हो सकें। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, महादेव महादेव।